कौन है होता वो सामने का ये हाँ ब्लू ही ले रहा है पहने गया पूरा जो है मैं भी जो है पूरा कोशिश करा फिर के अभी ऐसा हमारे किस्मत में हो गया तो हम क्या करेंगे। बच्चा क्या करता था? बच्चा स्कूल जाता था जो है वो भी ऑटो से जाता ऑटो से आता कहीं जाता ना आता बच्चा घर के सिवा वो बच्चे के साथ में कैमरे में दिखा बस उसलिए उसको पकड़े मालूम हो गए। आपका नाम? मेरा नाम जमील लाल मोहम्मद। बच्चे का नाम मोहम्मद है। किसके साथ गया था बच्चा? बच्चा जो है कि घर से अकेला निकला हो पुलिस का कैमरा चंद्रायणगुट्टा पुलिस स्टेशन में हम देखे तो बच्चा जो है ये जो अभी जो पकड़े बच्चे को उसके साथ में हमारा बच्चा था एक बज के 56 मिनट को दिन में 28 तारीख के दिन बच्चे को जो है उधर में देखे फिर पुलिस वाले उठाए उससे जांच करने के बाद में पुलिस को बतलाया कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद में पूरा पूछताछ करने के बाद में ये बाड़ी को निकाले। वो बच्चा कौन है जो आपके बच्चे के साथ? वो मियां खान का बच्चा है। वो कौन है मियां? ये मेरे घर के बाजू पड़ोसी रहते हैं बारकस मस्जिद हनाफ के पास मियां खान का बच्चा है वो मियां पटेल बोलते हैं उनको उनका बच्चा है। आप कितने बच्चे? मेरे को जो है 4 बच्चे है 5 बच्चियां हैं। बोल जाता हूँ ऐसा बोलने में डर कर और उनका सिस्टर दीदी का शादी 2 तारीख को हो रहा है तो बर्बाद हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा सोचकर ये मासूम बच्चा का पूरा राड और लकड़ी को मार कर सर पे वो मर्डर कर दिया। ये मालूम होने के बाद इंस्पेक्टर उनको यहाँ कहाँ बॉडी डेड बॉडी कहाँ है तो यहाँ दिखाया उनको तो दिखाया उनका दिखाया उनको दिखाया तो वहाँ हाथ और पैरों पूरा टाइड होकर मिला वो एनुअल सेक्स करने के लिए वो टाइट कर दिया और मारने के बाद मर्डर करने के बाद किसी तरफ से शिफ्ट करने के कर दिया ये पोस्टमार्टम में मालूम हो जाता वो बांधी मरने के पहले और मरने के बाद कर दिया वो मालूम हो जाता। ये वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ये पेरेंट्स का मन में इतना गम मिला तकलीफ मिला परेशानी मिला हमारा सोसाइटी कहाँ जा रहा है ये दूसरा इंसिडेंट ये बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे क्या कर रहे। 2 दिन के पहले बहुत ड्रग्स केस निकला है मासूम हाई स्कूल बच्चों को वो ड्रग एडिक्ट हो गया और सेक्सुअल अननेचुरल सेक्स भी
बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर चार पाँच साल का बच्ची मिल गया, बच्चा मिल गया, ये उनके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मुजरिमीन को, ये जूनियर क्रिमिनल्स को हम सख्ती से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले, सबसे पहले पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या कह रहा है, बच्चों कैसे जा रहे, कहाँ जा रहे, उनका बिहेवियर क्या है, वो दिन में कहाँ जा रहे, खेलने के लिए जा रहे, कुछ ही फ्रेंड्स के साथ जा रहे, फ्रेंड्स के जाने में क्या कर रहे, वो मालूम करना चाहिए। 10 साल का ऐसा सोच रहा है पेरेंट्स, ये गलती कर रहे, वो फियर में थोड़ा डर के वो आंख नहीं खोलते, कुछ एक्शन करते, कुछ लोग चोरी नज़र से वो देखते। हम बिस्तर तालुका, तो माँ बाप का तालुका तो होता है, मेरे उर्दू नहीं आता। ये पेरेंट्स बहुत बहुत संभाल के रहना, चुला अगर नहीं तो बच्चों को वो घर से ये सेक्सुअल एक्सट्रीमिज्म शुरू होता है, बाहर जाके इसी तरफ करते, करने के बाद वो मालूम हो जाता है तो ऐसा मैटर्स करते। अचानक हमारा बच्चों को जिंदगी इसी तरफ एरिया में जा रहे। सो मीडिया, अथॉरिटीज, पुलिस, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, सब मिलकर इसी तरफ सेक्सुअल एक्सट्रीमिज्म को कंटेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। हम पुलिस तरफ से जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके विल टेक वेरी वेरी सीरियस। सर, ये मोहम्मद खान के मर्डर में के रीज़न क्या है सर? नेचुरल अननेचुरल सेक्स, सोडोमी कर दिया, वो बाद में मालूम हो जाएगा तो डर के वो दीदी का शादी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा करके उनको मर्डर कर दिया। वो छुपाने के लिए कोशिश करा, तीन चार बार आए, कल सीसी फुटेज मालूम होने के बाद ये मालूम हुआ। थैंक यू।